हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में देखा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन स्टेशनरी कंटेनर हम प्रेशर को कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फोर्स क्या लगता है आप किसी भी कंटेनर में। भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है तो ऑफ कोर्स ही बात है ये लिक्विड जो होगा वो फोर्स लगाएगा कंटेनर की वॉल पे। तो कंटेनर की वॉल पे कितना फोर्स लगेगा आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं। हमने एक वेसल लिया जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ए दिस इज बी एंड दैट इज सी, ठीक है। और इसमें एक लिक्विड फिल्ड है जिसकी डेंसिटी है रो। लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो अगर हम यहां पे क्या करें, मैं यहां पे एक एलिमेंट ले रहा हूं इस कंटेनर की इस वॉल पर ताकि मैं फोर्स कैलकुलेट कर पाऊं, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से एट ए डिस्टेंस एक्स पर, एट ए डिस्टेंस एक्स पर डी एक्स का ये। तो ध्यान से देखिए ये जो लिक्विड होगा इस लिक्विड के कारण इस बॉल पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो अपने आप प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो कंसीडर हमने क्या किया, ये वॉल ली, इस वॉल पर हमने एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट पर वाटर या जो भी लिक्विड है इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स हम कितना लिख सकते हैं, फोर्स ऑन द एलिमेंट DF is equals to, तो फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, DF is equals to pressure applied multiplied by area, ठीक है। तो pressure multiplied by area, और area कौन सा होगा, area किसका होगा, element का, that is area of element। तो कितना हो जाएगा, दैट इज द रीजन हम इसको ए लिखने के बजाय हम क्या लिखना पसंद करेंगे, डी ए, एलिमेंट एरिया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है इसको, पी इंटू डी ए। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया अगर हम देखें तो ये वाला एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया को मैं कितना लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, b इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया b इंटू डी एक्स। प्रेशर को हम कितना लिखेंगे, सोचो यहां पे प्रेशर कितना है, जीरो, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया, हम x गहराई पर जा रहे हैं ना, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल्स टू रो जी बी एक्स डी एक्स। सोचो इस
एलिमेंटल एरिया पर ये अमाउंट फोर्स लग रहा है, तो इस कंटेनर की इस वॉल पर कितना फोर्स लगेगा? इतना। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें हम तो कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फ्रॉम जीरो टू सी, जीरो टू सी। नाउ इसको इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट आता है, रो जी बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हो जाता है रो जी बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज द फोर्स। तो इतना फोर्स कंटेनर की वॉल पर अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बार बार डेरिवेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, हम डेरिवेशन करने से बचेंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए था, डेरिवेशन हम करने से बचेंगे। देखो कैसे हम डेरिवेशन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो देखिए मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, f इज इक्वल्स टू रो जी, ठीक है, सी, ठीक है, प्लस जीरो अपॉन टू इंटू सी इंटू बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, दैट इज अ ट्रिक। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमेशा वैलिड होगा। देखो कैसे, ये हमेशा वैलिड होगा। देखो क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो दिस इज द प्रेशर टर्म, प्रेशर, एंड दैट इज एरिया। ठीक है, तो प्रेशर टर्म मतलब क्या हो गया, अगर हम देखें रो जी इंटू सी, क्या ये वही टर्म है रो इंटू जी इंटू एच, एच की जगह सी, एच गहराई पर प्रेशर रो जी एच, सी गहराई पर प्रेशर रो जी सी। तो यहां पे हम क्या लिखे, और सी क्या है, ये मतलब ये प्रेशर है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो प्रेशर एट पॉइंट पी प्लस प्रेशर एट पॉइंट क्यू, जीरो, जीरो इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया वॉल, एरिया ऑफ द वॉल इज सी इंटू बी। तो हम इस तरह से फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से फोर्स लिख सकते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में, ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स, या फिर एक और चीज हम इसमें थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्या, फोर्स ऑन कर्व सरफेस, फोर्स ऑन कर्व सरफेस, जी हां, कैसे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का टैंक है, इस तरह का कोई टैंक है हमारे पास, यहां पे इस तरह से लिक्विड है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का कोई टैंक है और दिस इज ए पार्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल दैट मीन्स इसकी कुछ डेप्थ भी है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई कंटेनर है, तो हम कर्व्ड सरफेस पर फोर्स कैसे निकालें,
देखो एक मॉलिक्यूल अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं वाटर का इस सरफेस पर, तो वाटर या लिक्विड का ये मॉलिक्यूल इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा जिसको मैंने लिखा डीएफ। ठीक है, तो इस डीएफ के दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, कंसीडर दो कंपोनेंट यहां पे आएंगे। एक कंपोनेंट होगा डीएफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल डीएफवी। तो देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, अच्छा मान लो ये पूरा का पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इस लिक्विड पर लिक्विड इस कर्व सरफेस पर फोर्स लगा रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, किस फोर्स का होगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल फोर्स होगा क्या, ये आप सोचिए थोड़ा सा, वर्टिकल फोर्स क्या हो सकता है। अगर मैं इसको सोचूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो लिक्विड उपस्थित है इस कर्व सरफेस के ऊपर, ये वाला ये लिक्विड, इसको मैंने एक पॉलिथीन में बांध दिया और उसको यहां पे रख दिया। अब बताएं क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट होगा mg, एज अ नॉर्मल रिएक्शन n एंड mg। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का वो कौन सा होगा, mg के बराबर। mg कौन सा, ये वाला इस लिक्विड का। दैट मींस देयर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट fv, that is the vertical component of the force is equal to weight of the liquid above curved surface, weight of liquid above curved surface। ठीक है, weight of the liquid just above curved surface। दूसरा अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम ध्यान से देखें, तो सोचो अगर मैंने ये वाला एरिया कंसीडर किया, ठीक है, तो मैंने ये वाला मेरे पास कवर्ड सरफेस थी और मैंने ये वाला एरिया कंसीडर किया, यहां पे एक फोर्स एक्ट हुआ जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया। दैट मींस अगर मैं इस एरिया को ये देखूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं, साफ बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे पास एक कंपोनेंट था, एक एरिया था ये वाला जिस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इस एरिया का अगर मैंने वर्टिकल कंपोनेंट जो कंसीडर किया था इस पर लगने वाला फोर्स ही तो है, ठीक है, इस पर लगने वाला फोर्स ही है ये, तो ये आया कहां से होगा। तो इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूं, अगर मैं कर्व सरफेस को वर्टिकल सरफेस मान लू और उस वर्टिकल सरफेस पर फोर्स निकाल लू, ठीक है, तो ये वही फोर्स होगा जो कि कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस, कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास, दैट मींस प्रोजेक्ट कर्व सरफेस ठीक है एंड कैलक्यूलेट द फोर्स, ये हो।
ठीक है, और हम ये आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे क्या होगा, दैट इज द प्रेशर, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, दिस द एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो हमने थोड़ी देर में पढ़ा कि हम कैसे कैलकुलेट कर पा सकते हैं किसी भी वॉल पर लिक्विड के कारण फोर्स। ठीक है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस अगर होती है तो आपने देखा होगा जनरली जो टंकी होती है, बड़ी बड़ी टंकियां होती है, उसकी सरफेस सिलेंड्रिकल होती है और उसको थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा जाता है। दैट इज द रीजन बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स उस वॉल पे लगता है तो हम किसी भी चीज से उसको नहीं बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने चलो प्लास्टिक लगा दी चारों तरफ सिलेंड्रिकल और हमारी टंकी तैयार हो गई। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस इसके ऊपर देखते हैं और क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। ठीक है, ए टैंक ऑफ वर्टिकल हाइट 2h consist of two different liquids of density rho and 2 rho, heights will be heights same। ठीक है, calculate the force on the wall AB and BC, calculate the force on the wall AB and BC। तो भाई हमें force calculate करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना क्या करेंगे, हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे और अपना फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रेशर कैलकुलेट करके रख लेते हैं, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, इट इज जीरो, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, इट इज रो जी एच, एंड व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट सी, रो जी एच प्लस टू रो जी एच, रो जी एच प्लस टू रो जी एच, दैट मीन्स थ्री रो जी एच। नाउ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑन द वॉल ए बी इज इक्वल्स टू पी ए एवरेज प्रेशर प्लस पी बी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया इज एच इंटू एल। तो कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, इट इज जीरो, पी बी इट इज रो जी एच अपॉन टू इंटू एच इंटू एल, आंसर इज रो जी एच स्क्वायर एल अपॉन टू। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल बी टू सी इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर पी बी प्लस पी सी अपॉन टू एच इंटू एल। What is the value of PB? PB is rho GH plus 3 rho GH, 4 rho GH upon 2 H into L. What is the answer? 2 rho GH square L. This is the force on wall BC. So that is a very simple application of force acting on the wall of the tank। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कर्व्ड सरफेस हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को।
ठीक है, कंसीडर ए सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ ए गेट, कंसीडर ए कंटेनर विथ ए गेट एज शोन इन द फिगर, दिस इज द गेट, सिलेंड्रिकल, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज टू आर एंड लिक्विड इज फिल्ड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड, कैलक्युलेट द फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द गेट, कैलक्युलेट ऑन द, सॉरी, कैलक्युलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द गेट। तो देखें अगेन मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस आ जाए तो वर्टिकल फोर्स क्या होता है, वर्टिकल फोर्स होता है उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका वेट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये जैसे मेरे पास गेट है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको प्रोजेक्ट कर लूंगा, मतलब एक वॉल बना लूंगा इस तरह से प्रोजेक्ट करके और इस वॉल पर फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो आंसर आ जाएगा अपना। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट द गेट, ये क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, इसकी लेंथ एल मान लेता हूं, दिस इज एल, तो ये ऐसा बन जाएगा एल, और व्हाट इज द लेंथ प्रोजेक्शन की, टू आर, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, दिस इज द क्लोज्ड कंटेनर। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए जीरो प्लस रो जी आर, रो जी एच से, रो जी आर, प्रेशर एट पॉइंट बी, व्हाट इज द टोटल डेप्थ, इट इज थ्री आर, तो रो जी थ्री आर, तो फोर्स, एवरेज प्रेशर रो जी आर पी ए प्लस पी बी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो कितना हो गया, रो जी आर प्लस थ्री रो जी आर अपॉन टू, व्हाट इज द एरिया, टू आर इंटू एल, ठीक है, तो कितना हो गया, फोर अपॉन टू, दैट इज टू यहां से भी कैंसिल आउट हो सकता है, फोर रो जी आर स्क्वायर एल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो क्या होगा, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक कोन इस तरह से सपोर्ट से हैंग किया जाता है जिसकी जो रेडियस है वो आर है और हाइट एच है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कोन ड्यू टू लिक्विड। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिक्विड कर्व्ड सरफेस। अब देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ऐसी सरफेस है ये वाली, ठीक है, इस सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लग रहा है,
एक फोर्स, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली, ठीक है। और ये क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड अबाउ द कर्व सरफेस, ठीक है। मतलब कौन सा लिक्विड का वेट होगा, इस वाले लिक्विड का, ठीक है, इस वाले लिक्विड का वेट। ध्यान से देखिए चारों तरफ क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा जिसमें से कोन का वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कोन का मास हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लू इसका, तो डेंसिटी जो कि रो है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट इज द एम जी रो इंटू वी इंटू जी, दैट इज रो 2/3 पाई आर स्क्वायर रो एच जी। तो इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन और आज सभी के क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज आपसे कहनी थी, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्यों, बिकॉज फिजिक्स एक्स जो है कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा है विथ हैंड रिटन नोट्स, विथ डीपीपीज, विथ मॉड्यूल एंड एक्सरसाइज। दैट मींस आपको कंप्लीट हर एक चीज फिजिक्स एक्स पे आपको मिलेगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, प्लीज फेसबुक पेज को रोजाना विजिट करिए, क्योंकि वहां डेली एक क्वेश्चन अपडेट किया जाता है डेली, दैट विल बी लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। अगर आप डेली उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 15, 20 और 25 दिनों में आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फिजिक्स एक्स को। थैंक यू वेरी मच।